Hello everyone, welcome again to online session of Monologue Classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. So in today's session, we will discuss more news about the budget, as all of you are aware. So now we come to the first news, and first news is small servings, many plates. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बजट में जो कि हम लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. सो पहला क्या है, इनकम टैक्स रेट कट्स. तो जो हमारा इनकम टैक्स रेट जो है इसमें क्या हुआ है कि 17,500 का हर साल हमें बेनिफिट होगा टैक्स पेयर्स को, और जिससे कि वो 1,458 रुपीज पर मंथ बचा पाएंगे. तो ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है. सेकंड है हमारा इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल. तो यहां पर कमिटेड टू स्पेंडिंग 2,00,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स. तो इस बार जो हमारा बजट है उसमें सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काफी काम किया है, यानी कि बजट को इस तरह से बनाया है ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और हमारे जो देश के यूथ हैं वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उनको मिले. उस पर्पज के लिए इस बजट में 2,00,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा 9 प्रायोरिटीज. द बजट लेड आउट द 9 प्रायोरिटीज फॉर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज. तो ये जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, इसमें इन 9 प्रायोरिटीज को लिया गया है, यानी कि इन जो ये हमारे 9 फील्ड्स हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा. पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. सेकेंड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs. नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, लैंड अपॉर्चुनिटीज, यूथ, मिडिल क्लास, एनर्जी सिक्योरिटी. तो इन सब में ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट किया जाएगा ताकि हमारे देश के युवाओं को जॉब मिल सके. इस बजट में सरकार ने जॉब या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काफी फोकस किया है. नाउ हम आते हैं नेक्स्ट, न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी. तो जो हमारा एग्रीकल्चर और रूरल है इसमें प्रोडक्टिविटी पर और रेजिलेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको हम और प्रोड्यूस ऐसा बनाएंगे उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो, जैसे कि हमारे देश में ग्रीन क्रांति आई थी उस तरह से, और इसको और साइंटिफिक बेसिस पर लेके जाया जाएगा. इसका मतलब यह है कि हम अच्छी क्वालिटी के बीज डेवलप करेंगे, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर डेवलप करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, और जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के ये बेनिफिट देगा. नेक्स्ट है विद ए फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.9% ऑफ GDP. अब ये एक टर्म है आपकी फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है. और ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं. देखिएगा, अगर सरकार फॉर एग्जाम्पल 5,00,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है देश के डेवलपमेंट के लिए, और हमारे पास जो टैक्स से कलेक्ट मनी है वो है हमारे पास केवल 4,00,000 करोड़ रुपीस, तो यानी कि सरकार को खर्च करने हैं 5,00,000 रुपए देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल 4,00,000 करोड़ रुपीस हैं. तो यहां पर क्या है कि 1,00,000 करोड़ का क्या आया, फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट वो टर्म है जो एक डिफरेंस बताती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करना चाहती है और गवर्नमेंट के पास कितने पैसे खर्च करने के लिए हैं, उन दोनों का गैप को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारी, इसने ये टारगेट बनाया है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 4.9% लाएंगे अपनी GDP के, यानी कि हमारा जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 4.9% ही हमारा फिस्कल डेफिसिट हो और इससे ज्यादा ना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करें अपने देश में और फिस्कल डेफिसिट के अमाउंट को कम करें, और पैसे की कमी से हमारे देश में जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है वो नहीं रुकनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके नॉर्म्स को ईज किया है, यानी कि थोड़े इजी नॉर्म्स रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें और उस पैसे को लेकर हम लोग अपने देश को देश में प्रोग्रेस कर पाए, या हमारे देश के जो युवा हैं वो नए नए स्टार्टअप कर पाए.
अब देखिए कोई भी अगर देश में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो जो फॉरेनर लोग हैं वो हमारे देश में कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करें। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पेटिशंस टू कैंसिल नीट। आप सभी जानते हैं कि जो 5 मई को नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कुछ इस तरह के एलिगेशन थे कि पेपर को लीक किया गया है। इसके बाद मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इट इज द क्वेश्चन ऑफ 23 लाख स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले एनटीयू को ये ऑर्डर दिया कि वो सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करे ताकि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पेपर लीक होने की या और कोई इरेगुलरिटी की तो उसको पकड़ा जा सके। तो जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर आज इसका फाइनल डिसीजन आया ऑनरेबल कोर्ट का और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि पेपर को कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर हम पेपर को कैंसिल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल होगा, उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कंसर्न ये है गवर्नमेंट का कि दोबारा से पेपर कराना थोड़ा फीजिबल भी नहीं है। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कोई इस तरह के एविडेंसेस नहीं है कि जिससे हम इस कंक्लूजन पर आ जाएं कि इसमें कोई सिस्टमेटिक लीक हुआ है। हाँ ऐसा एप्रिहेंशन हो सकता है कि ये किसी एक पार्ट में फॉर एग्जांपल बिहार के एक दो सेंटर में कुछ गड़बड़ियां रही हो, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ है या बहुत बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नीट के एग्जाम को कैंसिल करना अभी सूटेबल नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं बिल्ड अमरावती एड 4 पोलावरम। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है उसको 15,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा असिस्टेंस मिली है। अब जिसमें 15,000 करोड़ में वो क्या करेंगे कि जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती उसको क्या करेंगे और डेवलप करेंगे और वहां के पोलावरम प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन से संबंधित है, इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो प्लान दिया गया, एक प्लान वहां का ये भी है पूर्वोदया प्लान। इस प्लान को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ये हमारे कुछ स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उन सबको डेवलप करेगा। तो ये जो पैसा आंध्र प्रदेश को दिया गया है स्पेशल ग्रांट के रूप में, इसको इस पैसे को यूज कर वो अपने एक तो अमरावती जो उसकी कैपिटल है उसको मॉडर्न करेगा, उसमें डेवलपमेंट कराएगा, दूसरा उनका जो पोलावरम प्रोजेक्ट है इरिगेशन संबंधित उसको करेंगे और थर्ड जो उनका पूर्वोदय प्लान है उसको भी कंप्लीट करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे जो बजट में जो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनको भी रिवाइज किया है। अब हम उसको समझ लेते हैं। तो पहले क्या है, द टैक्स स्लैब ऑफ 3 to 6 lakh हैज बीन रिवाइज 3 to 7 lakh। तो यानी कि पहले ये टैक्स स्लैब थी 3 से लेकर 6 लाख तक की, अब ये 3 to 7 lakh हो गई है। द करेस्पॉन्डिंग टैक्स रेट फॉर 3 to 7 lakh स्लैब रिमेन अनचेंज्ड, मींस अगर किसी की इनकम 3 लाख से कम है तो उस पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देगा, और अगर 3 से 7 के बीच में है तो उसको केवल 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। अब नो चेंजेस फॉर इनकम लेस देन 3 लाख, यानी कि 3 लाख से कम में पहले में वो भी कोई टैक्स नहीं था और अब भी कोई टैक्स नहीं था होगा। अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख के स्लैब में आती है तो इनकम टैक्स जो है इनकम एक्सीडिंग 15 लाख तो इसी में वो कवर होगी। मतलब अगर 12 से 15 के बीच में है, लेस देन 15 है, तो उसी टैक्स स्लैब में आएगी जिसमें वो पहले आती थी। नाउ इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक टर्म है, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि जो आप ये अमाउंट है इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्या कर दिया गया है कि द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी आती है उनको 50,000 से लेकर 75,000 तक वो अपनी इनकम को बचा सकते हैं, यानी कि इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम इसको थोड़ा वैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज देखिए किसी भी पर्सन की इनकम जो है अगर 10 लाख रुपए है एक साल की, तो 10 लाख पे उस पर जो टैक्स लगेगा वो इस टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा, लेकिन वो जो 50 से 75,000 रुपए वो क्या कर सकता है,
अपने बचा सकता है, इस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स। अब हम आगे चलते हैं, एंजल टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। यहां पर क्या हुआ है, एंजल टैक्स क्या होता है कि जो लोग बाहर के लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास काफी पैसे होते हैं और वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजल टैक्स। और एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं, मान लिया आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं और उस स्टार्टअप को करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपका जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है, तो कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास पैसे हैं वो आपके उसमें प्रोजेक्ट में या आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। और उस पर आपकी और उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो जाएंगी, एक लीगल एग्रीमेंट बन जाएगा, उसके आधार पर आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या है, स्क्रैपिंग ऑफ एंजल टैक्स। तो अभी जो है हमारे देश में एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। तो जो एक नया तरह का टैक्स लगता था जिसको कि हम एंजल टैक्स कहते थे, और ये उस अमाउंट पर लगता था जो कि एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था, तो उसको अब हटा दिया गया है हमारे न्यू टैक्स रिजाइम में। नेक्स्ट है, अब हमारा जो कस्टम ड्यूटी थी गोल्ड और सिल्वर पर, उसको कम कर दिया गया है। अब कितनी कम हुई है हम इसको समझते हैं, देखिएगा। ड्यूटी ऑन गोल्ड बार्स कट फ्रॉम 15% टू 6%। तो पहले ये गोल्ड बार पर ड्यूटी जो लगती थी 15% लगती थी, अब इसको 6% कर दिया, तो इसपे काफी फायदा हुआ। ड्यूटी ऑन गोल्ड ओर रिड्यूस फ्रॉम 14.355% टू 5.35%। यहां पर गोल्ड में जो है काफी रिडक्शन सरकार ने किया है ताकि लोग गोल्ड वो कर सकें, इंपोर्ट कर सके, है ना। और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो पहले हमको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब हमको कम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। सिल्वर में अगर हम देखें, ड्यूटी ऑन सिल्वर बार रिड्यूस फ्रॉम 14.35% टू 6%। सिमिलरली इसमें भी काफी ज्यादा कम किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, 3 कैंसर ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो जो कुछ कैंसर की ड्रग्स हैं उनको भी कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। कैंसर ड्रग्स फुल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड फॉर 3 कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स। एक का नाम ये है, दूसरी ये है, और थर्ड ये है। तो इन तीनों ड्रग्स पर पूरी कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई पर्सन इनको मंगाता है तो इन पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका पर्पज ये है कि जो हमारी देखिए जो कैंसर की मेडिसिन है ये काफी महंगी होती हैं, और अगर कोई पर्सन है उसको कैंसर की बीमारी है तो, और वो इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसकी मतलब जान जा सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इन तीनों जो मेडिसिन है इस पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। अब हमारे कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी टैक्स को हटा दिया गया है। टोटल आउटले 89,287 करोड़ रुपए एलोकेटेड टू द हेल्थ सेक्टर, विच इज 1.85% ऑफ द टोटल बजट। तो यानी कि हेल्थ सेक्टर पर 89,287 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि हमारे पूरे बजट का 1.85% है। तो इस बार हेल्थ सेक्टर पर काफी मतलब जोर दिया गया है कंपैरेटिवली। सेकेंड है आयुष मिनिस्ट्री बजट इंक्रीज। आयुष मिनिस्ट्री का बजट जो है वो 3000 करोड़ से 3712 करोड़ रुपए हो गया है। सेकेंड है हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। दिस फंड विल सपोर्ट बेसिक रिसर्च प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड एनहेंस प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च। यानी कि इसमें जो भी पैसे हैं 1,00,000 करोड़ रुपए, इस पैसे से रिसर्च की जाएगी, और ये रिसर्च जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी की जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर पे काफी जोर दिया गया है इस बजट में। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट सपोर्ट फॉर एमएसएमईज मुद्रा लोन लिमिट रेज। तो देखिए पहले ये मुद्रा लोन जो मिलता था इसकी सीमा होती थी 10,00,000 रुपए। ये इस मुद्रा लोन का बेनिफिट क्या है कि जनरली अगर हम बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं या लेने जाते हैं तो हमको उसके जितना भी हम लोन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 10,00,000 रुपीज लोन लेते हैं तो उसका हमें कोलेट्रल एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है बैंक के पास। लेकिन यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी भारत सरकार देती है, और कोई भी व्यक्ति 10,00,000 रुपए का लोन लेकर अपना बिजनेस अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है।
ये भी गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस लोन पर कुछ सब्सिडी भी मिलती है। अब इस बजट में जो मुद्रा लोन है उसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, लेकिन इस स्कीम का बेनिफिट केवल वो ही लोग ले पाएंगे जिन्होंने पहले मुद्रा लोन को लेकर वापस कर दिया है। तो ये स्कीम जो 20 लाख वाली है ये केवल उन्हीं लोगों के पर एप्लीकेबल होगी जिन लोगों ने पहले 10 लाख रुपए लिए सरकार से, उनको वापस कर दिया, अब वो 20 लाख रुपए ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब जो बजट है हमारा उसमें क्लीन एनर्जी पर काफी ध्यान दिया गया है, काफी फोकस किया गया है। और कैसे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो अब देखिए कि क्योंकि हमारी जो बिजली है वो अभी तक हमारी जो बिजली बनती है वो पानी से बनती है या फिर कोल से बनती है, ये कंपैरेटिवली काफी महंगी होती है, जिससे क्या है कि जो लोग हैं, जो कस्टमर है उसको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो अब हमारी जो भारत सरकार है वो कुछ इस तरह एनर्जी के नए सोर्सेज को खोज रही है और उनको और डेवलप करना चाहती है, जिसमें से एक है सोलर एनर्जी। तो अब ये प्रधानमंत्री सूर्य गृह मुफ्त योजना, इस स्कीम के द्वारा सभी लोगों को क्या है कि 10,000 इस पे 10,000 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं बजट में। इससे क्या है कि जो लोग अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेस्टमेंट, तो इसने क्या किया है, अब हम नई न्यूक्लियर एनर्जी भी बना रहे हैं। और बजट एम्फेसाइज इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर विच आर कॉम्पैक्ट एंड प्रोवाइड अप टू 300 मेगावाट ऑफ पावर। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कोलैबोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर्स टू सेट अप भारत स्मॉल रिएक्टर एंड सपोर्ट रिसर्च। अब हम क्या कर रहे हैं कि नए नए स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे जो कि हमारे देश के लिए बिजली प्रोड्यूस करेंगे या एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए भारत ने क्या बनाया है, भारत स्मॉल रिएक्टर एंड सपोर्ट रिसर्च एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। इस तरह के पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद द एनटीपीसी एंड बीएचईएल भैल। इस बार बजट में कुछ जो वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स हैं उनको भी लाया गया है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है। तो पहली है वात्सल्य पेंशन स्कीम, तो एक नई स्कीम है। पहली बात देखें कि जो वो इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या है स्कीम, अ न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई अगर फीमेल है और वो मेजर नहीं हुई है, एडल्ट नहीं हुई है, तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बाद में क्या होगा, अपॉन रीचिंग एडल्टहुड, जब वो मेजर हो जाएगी या एडल्ट हो जाएगी, दिस स्कीम कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ समय तक उसको पैसे जमा करने हैं या उसके गार्डियन को पैसे जमा करने हैं पहले, बाद में वो जब मेजर होने के बाद वो पैसे खुद जमा कर सकती है, और बाद में उसको कुछ समय के बाद पैसे जमा करने के बाद वो एक रेगुलर पेंशन उसको लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। इससे क्या होगा कि ये उसकी पॉवर्टी भी कम होगी और उसका एक एक रेगुलर इनकम या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। Despite a minor dip of 0.03% in the allocation of ministry, key schemes such as Samarthya, Swadhar Grah, Pradhan Mantri, Matru Vandana Yojana, इस तरह की स्कीम लाई गई है। तो आप लोगों के लिए जो स्कीम के नाम है, ये सब स्कीम के नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। 10 लाख एजुकेशन लोन विद एनुअल 3% इंटरेस्ट। देखिए हायर एजुकेशन को जो है हमारी गवर्नमेंट काफी वो कर रही है, फायदा दे रही है और प्रमोट कर रही है। अब क्या होगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट है और वो हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए जो है वो 3% के लोन पर मिलेंगे। अगर आप नॉर्मली लोन लेते हो तो जनरली वो 7-8% मिलता है गवर्नमेंट बैंक से, और अगर आप प्राइवेट से लेंगे तो वो 9-10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है और उसके लिए एक कैंडिडेट को 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि उसको लोन अमाउंट काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट लोन अमाउंट इज 3% ओनली। और दूसरी बात यह है कि इसको रिपे करने का भी कुछ टाइम सरकार आपको देती है, तो आप हायर एजुकेशन करने के बाद आप कुछ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त करने के बाद आप इस पैसे को थोड़ी थोड़ी किस्तों में वापस कर सकते हैं। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी सरकार के, ये
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की डायरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट कम्यूट्स डेथ पेनल्टी टू 30 इयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट इन डबल मर्डर केस। अभी हम समझ लेते हैं कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कम करना, कम्यूटेशन का मतलब कम होता है कम करना। तो यानी कि डेथ पेनल्टी को किसमें कर दिया, 30 इयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक होता है, देयर वाज अ केस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है। और इस केस में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर्सन का ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले होता है तो उस पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि उसकी सजा को कम किया जा सकता है। ऐसा क्यों, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो कहता है कि किसी भी पर्सन की राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को आप केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। अब अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट ने, प्रोसिक्यूशन कौन करता है, स्टेट ने उसको डेथ पेनल्टी देने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया क्योंकि उसके ट्रायल में बहुत ज्यादा समय लगा, तो कानून ये कहता है कि भाई उसके राइट का वायोलेशन हुआ स्टेट की वजह से। अब क्योंकि स्टेट ने उसको एग्जीक्यूट जल्दी नहीं किया उसकी सजा को, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि वो उस ट्रोमा में रहा कि कब, पता नहीं कब उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी या कब नहीं मिलेगी इस तरह से। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि इस सिचुएशन में उसके कानूनी अधिकार का वायोलेशन हुआ है और इसी आधार पर सजा को कम कर दिया गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, मुर्रे कन्फर्म रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स एज सनसेट्स ऑन गोल्डन एज। तो यहां पर क्या है, ये विंबलडन प्लेयर हैं मिस्टर मुर्रे, एंडी मुर्रे अनाउंस, उसने कहा, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर देंगे। अब अगर हम उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं, ही हैज वॉन टू ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स इन सिंगल्स, पहला उन्होंने 2012 में जीता और उसमें हराया रोजर फेडरर को, फिर उन्होंने 2016 में जीता और हराया उन्होंने जुआन मार्टिन डेल पोट्रो को, फिर उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता है, ही वॉन ग्रैंड स्लैम टाइटल विंबलडन इन 2013 एंड 2016 एंड यूएस ओपन इन 2012, और इतनी सारी उपलब्धियों के बाद अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टूडेज न्यूज पेपर, आई विल कम अगेन विद मोर सच न्यूज, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।